आज अशोक जी को बनाने में सबसे बड़ा रोल परशुराम देना का है, जिनका बेटा महिपाल आज जेल में सड़ रहा है, एक काम। दूसरी बार एक वोट से सीपी जोशी हार गया तो अशोक जी को मौका मिल गया, और तीसरी बार प्रियंका वाड्रा का कांड हो गया, राहुल गांधी को किनारे कर दिया गया जो सचिन के गार्जियन थे, तो मौका मिल गया। अगर मैं गहलोत का विरोध करूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वरूंगा, कायर नहीं हूं, करना जो कर लो, और बीजेपी वालों तुम करते हो तो तुम भी सुन लो, सर फोड़ के मर जाओ, मैं करूंगा, क्योंकि मैं पैसे की बात ही नहीं करता। अभी बीच में आज सुबह बद्री जाकर का फोन आया कि चार आदमी हमारे संपर्क में, झूठ बोलते हैं, अशोक गहलोत को गुमराह करते हैं। उसके पहले आया था सुरजेवाला का, वो सुरजेवाला बोला कि तीन आदमी 48 घंटे में आ जाए, कहाँ है, क्यों झूठ बोलते हो, सीधा बोलो हमारे पास इतने आदमी है, हम संतुष्ट हैं। सचिन को बढ़ाना ही नहीं है अपना आदमी 97 से ऊपर, तो क्यों आएगा, क्यों बोलेगा, उसके 97 में एक आदमी हिला नहीं, उसके 97 अंगद के पांव हैं, और इनके 102 हैं, मानता हूं मैं 102 होंगे, 101 होंगे, मगर अंगद के पांव नहीं है वो। बड़ा और छोटा क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दो ग्रुपों में संघर्ष है, एक 25% पर है और एक 75% पर है, तो बड़ा धमाका हो ही नहीं सकता। बड़ा धमाके का मतलब है बड़े धमाके की साइज किन संघर्षों में कितनी है। जब एक 48% पर है और दूसरा 52% पर है, तो मेरा 3% गरीब का धमाका बहुत बड़ा धमाका ऑटोमेटिकली हो जाता है, और मैं अपनी औकात 5% से ज्यादा मानता हूं। इसलिए उस धमाके को आप बड़ा कह दो, छोटा कह दो, समय अनुकूल कह दो, समय विरोधी कह दो, एकपक्षीय कह दो, द्विपक्षीय कह दो, आपकी छूट है, आप कुछ भी कहो। क्या चर्चा चल रही है कि दोनों जो बाड़ेबंदी जो चल रही है, दोनों में संपर्क है आपका? देखिए सर, दोनों बाड़ाबंदी और दोनों के बीच एक कबाड़ाबंदी भी है, अनाप शनाप पैसे का व्यय हो रहा है, यह कबाड़ाबंदी नहीं है। सवाल यह है कि बाड़ाबंदी की जरूरत सचिन पायलट को पड़े तो समझ में आती है, मगर अशोक गहलोत को क्यों पड़ रही है? जब अशोक ये कह रहा है कि मेरा पूर्ण बहुमत है तो आश्वस्त रहिए, और आज की तारीख में लगता भी है शायद अशोक सच हो सकते हैं। अब रहा सचिन का, देखो सचिन के साथ में टोटल 97 वोट्स हैं, 19 उसके खुद के हैं, 3 निर्दलीय उसके साथ, 22 3 रालोपा के हैं, 25 और 72 बीजेपी के हैं। ये 97 अंगद के पांव की तरह मजबूत हैं, इसके पांव को हिलाना मुश्किल है। अशोक गहलोत पूरी कांग्रेस है प्लस बसपा के आदमी है, सब मिलाकर के इसके पास भी 97 के आसपास है, लेकिन इनको वो कितने मजबूत हैं, जितना मजबूत मेघनाद यज्ञ करके शिव जी की वरदान पाने के वक्त था, वरदान भंग हो गया तो मेघनाद हार गया। ये फ्लेक्सिबल ज्यादा हैं, ये फ्लेक्सिबल कम है, बराबरी की टक्कर मानता हूं मैं नहीं कहता कौन जीतेगा। अब अशोक गहलोत पूरी ताकत लगा रहे हैं, उनके प्रति कांग्रेस के अधिकांश विधायकों में निष्ठा है, अशोक गहलोत को हाईकमान का पूरा हाईकमान का रोल नहीं है, रोल तो अब संकुचित होकर विधायक तक में सीमित हो गया है। मैं कांग्रेस का भी कैबिनेट मंत्री था हरदेव जोशी के वक्त, मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, मध्य प्रदेश के तीनों चीफ मिनिस्टर मेरे अंतर्गत नीचे काम करते थे, मैं बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर था, बीजेपी का पॉलिटिकल एडवाइजर टू वसुंधरा राजे सिंधिया था, बीजेपी का भी कैबिनेट मंत्री था, और मैंने लोगों को बिना स्वार्थ के बहुत ऑब्लाइज किया है। तो ये तो आप भी सोच सकते हो कि वो लोग जो मेरे से अनुग्रहित हुए हैं दोनों पार्टियों में, मेरे साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं, इसलिए मैं प्रभाव डाल सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वोट दिला सकता हूं, न मैं ये कह सकता हूं वोट बदला सकता हूं, न मैं ये कह सकता हूं मैं ठेका करा सकता हूं, न मैं ये कह सकता हूं खरीद सकता हूं, न मैं ये कह सकता हूं बेच सकता हूं, न मैं ये कह सकता हूं धमका दे सकता हूं, लेकिन आधार पर तर्क के आधार पर प्रांत और जनता के हित में मैं बहुत से विधायकों को संतुष्ट कर सकता हूं, इतनी मेरी तार्किक शक्ति है, इतना मेरी तर्क शक्ति है, इतनी मेरी ताकत है, और मैं उसका प्रयोग एक तरफ करूंगा, उसका फैसला मैं 5 तारीख के बाद करूंगा। एक बात मैं आपसे कह देता हूं, नैतिकता, चरित्र, ईमानदारी, निष्ठा, प्रांत प्रियता, लोकप्रियता और जनप्रियता, इनका मेरा नापने का आधार मेरा अपना है, इसमें कोई पक्षपात मैं कर ही नहीं सकता। अब बार बार अशोक जी कहते हैं मैं 3 बार मुख्यमंत्री, दो बार केंद्रीय मंत्री रहे, कितने दिन रहे, कैसे रहे और कैसे हटे, मैंने ये आरोप नहीं लगाया। उसके बाद कहा कि मैं 3री बार मुख्यमंत्री बनाऊं,
एक बार तो परशुराम मदेना बनना नहीं चाहते थे, वो केंद्रीय राजनीति में जाने को इच्छुक नहीं थे, तो उन्हें आदमी की तलाश थी, तो अशोक जी को उन्होंने चुना। आज अशोक जी को बनाने में सबसे बड़ा रोल परशुराम मदेना का है, जिनका बेटा महिपाल आज जेल में सड़ रहा है। एक काम, दूसरी बार एक वोट से सीपी जोशी हार गया तो अशोक जी को मौका मिल गया, और तीसरी बार प्रियंका वाड्रा का कांड हो गया, राहुल गांधी को किनारे कर दिया गया जो सचिन के गार्जियन थे, तो मौका मिल गया। इसलिए मैं ये कहता हूं, आपको मौका मिला, आपने मौके का उपयोग किया, आप भाग्यवान हो, आप गुणवान बुद्धिमान से ज्यादा भाग्यवान हो, ये पूरा राजस्थान जानता है, और आपके भाग्य को कोई चुनौती दे नहीं सकता, ये मैं मानता हूं। अब सारी परिस्थितियों का अंत क्या है, इस सारी लड़ाई में क्या होना है, तीन वोट जो इधर के उधर चले जाएगा, लड़ाई तो तीन वोट की है ना, तो आपके 102 का क्या अर्थ, तो इनके 97 का क्या अर्थ है, कोई अर्थ है? ये व्यर्थ के गणित है। और अगर मुझसे पूछा जाए, मैं आज, हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव के पहले अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला मेरे निवास पर आकर मुझसे सशर्त मदद लेकर गए थे, जिसका फोटोग्राफ मैं आपको अभी दे रहा हूं, और मैंने जो अहमद पटेल मेरा परम मित्र है उसकी इज्जत रखी। उसके बाद जब मेरे को लेने की बात आई तो गहलोत जी ने वीटो लगा दिया, अखबारों में भी ये न्यूज आई, मैं बुरा नहीं मानता, उनको मैं सूट नहीं करता हूं, जरूर थोड़ी हर आदमी को हर आदमी पसंद आए, उसका बदला मैंने ले लिया संसदीय चुनाव में। रात को 1:30 बजे हनुमान बेनीवाल की रितपाल मिर्जा से नंबर लेकर मैंने जावड़ेकर से बात कराई, मैंने मेरा हिसाब बराबर कर दिया, पर हमारी मित्रता शत्रुता विरोध का विरोध शत्रुता में नहीं है। अशोक गहलोत में बहुत गुण है जिनकी मैं तारीफ भी करता हूँ, उन्होंने कभी मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, मैं इसके लिए उनका अनुग्रहित हूँ, पर अब चुनाव है, मैं मेरी राजनीति देखूंगा, मेरा भी अपना स्वार्थ है, मैं परमार्थी राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, न मैं पूर्ण स्वार्थी राजनीतिज्ञ हूँ, मैं अपने अवसर से अपना अपने मित्रों का भला देखने वाला राजनीतिज्ञ हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बड़ा तो कुछ नहीं करूंगा, पर मैं छोटा करूंगा वो बहुत बड़ा होगा। दोनों पार्टियों से आपके रहे हुए हैं, आप केंद्रीय नेतृत्व में काम संभाला हुआ है आपने, झुकाव अभी भी क्या दोनों में से किसी को तय कर रखा है कि इधर झुकाव? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, दोनों पार्टियों का चरित्र मुझे कोई ज्यादा अच्छी बीजेपी लगे ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, मेरी राजनीति में पार्टी से ज्यादा व्यक्ति का प्रभाव रहा। मैं जब कांग्रेस में था, मैं हरदेव जोशी, नाथुराम मिर्जा, वसंत दादा पाटिल का परम प्रिय था, तब भी पार्टी में मेरा झुकाव नहीं था। जब मैं बीजेपी में था तो वसुंधरा जी और इनके गुलाब जी कटारिया और इन लोगों के प्रति मेरा पूरा झुकाव था। बाद में जावड़ेकर ने मुझे धोखा देकर पार्टी की इमेज बिगाड़ दी। तो मैं, अगर आप पूछो पार्टी, तो इस पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो मैं पार्टियों को महत्व नहीं देता, व्यक्तियों को महत्व देता हूं। एज ए कांग्रेस पार्टी, अभी कांग्रेस मेरी परम मित्र है, गहलोत जी मुझे नापसंद करते हैं, उनकी मर्जी है। मैं प्रताप से रेगुलर बात करता हूं, मैं बीडी कला से रेगुलर बात करता हूं, अहमद भाई के लोगों से रेगुलर बात करता हूं। मैं आज भी राजेश मिश्रा का फोन आया था, सुभाजी शुक्ला का फोन आया था, मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं पार्टियों पर महत्व नहीं देता। मैं पार्टियों को आज के जमाने में सिद्धांत कुंभा मानता हूं, इसलिए व्यक्तियों के संबंधों पर चलता हूं। इधर भाजपा मेरे गुलाबी से अत्यंत गरीब संबंध है, ओम जी माथुर की बहुत इज्जत करता हूँ, शानदार आदमी है ओम माथुर, उसके प्रति मेरा पूरा सम्मान है। वसुंधरा जी की मैं पूरी इज्जत करता हूँ, राखी बांध मेरी बहन है, 25,000 लोगों में खड़े होकर राखी बांधी उन्होंने 2006 के बाद, राजनीति में मुझे कभी समर्थन नहीं दिया, पर मेरे मुँह से एक शब्द उनके खिलाफ नहीं लिखा। तो मैं तोलूंगा कि किस पार्टी में कौन सा व्यक्ति नेता कर रहा है, जो नेतृत्व तो मुझे पसंद आएगा मैं उसके साथ रहूंगा, पार्टियों से बंधा हुआ नहीं हूँ, पार्टियों के खूंटे के साथ मेरा रास्ता बंधा हुआ नहीं है, व्यक्तियों के खूंटों के साथ मेरा रास्ता बंधा हुआ है। तो मेरा बड़ा स्पष्ट है, जो आदमी आगे आएगा 5 तारीख शाम तक मैं इसका फैसला करूंगा, और जिसकी मदद करूंगा तो तन मन धन से पूरी ताकत से मदद करूंगा, अधूरा संपर्क अधूरा संघर्ष मैं नहीं करता। आज की तारीख में मेरा न गहलोत से विरोध है, न मेरा गुलाब जी से विरोध है, बीच वाले जो छुटभई आ गए हैं ये मेरी नजर में आते नहीं, ये मेरे मैनेजमेंट में नहीं आते। अब मैं आप सोचो, मैं क्या, मैं 1958 में स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर था, गायत्री देवी और हमारा लक्ष्मण सिंह का एडवाइजर था। अब मुझे कोई ये कहे कि आप सतीश पूनिया की राय मान लो या राजेंद्र राठौर की मान लो, ऐसे तो बच्चे हैं मेरे, वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं अपनी उम्र, तजुर्बा, अनुभव, योग्यता, क्वालिटी, हिम्मत, साहस, इनको तराजू पर तरके तोलूंगा, कौन सा व्यक्ति इसमें मेरे नजदीकतम होगा मैं उसके साथ जाऊंगा। अभी वर्तमान में फोन टेपिंग चल रही है, आप कह रहे हैं सबसे बात
होना है, मेरा टैप है, मेरे पास खबर ऑफिशियली आ गई है। हे भगवान, मैं इन टैप करने वालों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। नालायकों, जोर लगा के टैप करो। अगर मैं गहलोत का विरोध करूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वरूंगा, कायर नहीं हूं, करना जो कर लो। और बीजेपी वालों, तुम करते हो तो तुम भी सुन लो, सर फोड़ के मर जाओ, मैं करूंगा, क्योंकि मैं पैसे की बात ही नहीं करता, मैं पैसा खाता नहीं। विरोध करना न करना मेरा मौलिक अधिकार है, मैं इस देश का नागरिक हूं, चाहूं जिस नेता की प्रशंसा कर सकता हूं, चाहूं जिस नेता की आलोचना कर सकता हूं। टैप का बाप कर लो, चंद्रा संगी पर आरोप नहीं लगता है, 62 साल की राजनीति में चाय पीने का आरोप नहीं है मेरे ऊपर। मुझे टैप की धमकियां देने वाले मां मूर्ख हैं जो मुझे टैप की धमकियां दे, जाओ करो टैप। मैं अगर अशोक का विरोध करूंगा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करूंगा, अगर मैं बीजेपी का विरोध करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करूंगा और कहूंगा टैप कर लो, क्योंकि मैं उसके बाद भी विरोध में रह करके भी गलत काम नहीं करूंगा। ये पैसे का लेन देन, ये धंधा भ्रष्टाचार, ये बहुत गंदा काम हुआ है पैसे का, जिसने भी किया है मैं उसकी तारीफ नहीं करता हूं। उसके बाद भी उनके ऊपर और भी आरोप है, आप क्या समझते हैं आरोपित लोगों की प्रशंसा करूंगा? ये मेरा काम नहीं है, मैं आरोपितों की प्रशंसा नहीं करता। मैं विरोध कर सकता हूं गहलोत का, पर उसकी झूठी आलोचना मैं कभी नहीं करूंगा, इस जीवन में नहीं करूंगा कभी। ठीक है, हमारा विरोध है, राजनीतिक स्वार्थों का टकराव है, विरोध है। और मैं कितनी भी तारीफ करूं, लेकिन भाजपा के अंदर भी जो भ्रष्ट लोग रहे हैं उनको ईमानदार मैं कभी नहीं कहूंगा, जो है वो वैसे हैं। बस मेरे कारण से विरोध करूंगा, मेरे कारण से समर्थन करूंगा। मेरा बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है राजनीति के अंदर, 60 साल में मेरे पर एक आरोप नहीं है। 1958 में 15 साल का स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर अपॉइंटेड बाई सी राजगोपालाचारी अंडर सिग्नेचर ऑफ मीनू मसानी था मैं, तब मैं गायत्री देवी का और महाराव लक्ष्मण सिंह का को स्पीकर हुआ करता था, तभी सुखाड़िया के खिलाफ मैंने भयंकर संघर्ष लड़ा था। अब तो बच्चे हैं, इनसे क्या लड़ूंगा, इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। आप मान के चलो मेरे को कोई भी गलत निर्णय होगा तो मैं आपको भी जिक्र करता हूँ, आप आके मुझे कहना कि आपका फैसला रहूँगा। पक्की, वो तो देखो दो सिद्धांत है, अगर कोई मित्र हो तो कृष्ण सुदामा जैसा हो और दुश्मन हो तो दुर्योधन और भीम जैसा हो, इसमें क्या बुराई है? लेकिन मैं अन्यायपूर्वक बात नहीं करूं, मैं किसी का विरोध कर सकता हूं पर मैं झूठे आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं अपने शत्रु के भी गुणों की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मेरे शत्रुओं ने भी हमेशा मेरे गुणों की प्रशंसा की। मेरा सबसे बड़ा विरोध तो 40 साल से गहलोत से है, मैं बड़ा खुश हूं और प्रशंसा करता हूं कि गहलोत ने आज तक मेरे व्यक्तिगत चरित्र पर आरोप नहीं लगाया, और इसलिए मुझे कोई कितना भी दबा दे मैं गहलोत पर व्यक्तिगत चरित्र पर आरोप नहीं लगाऊंगा। सपोर्ट करना विरोध करना तो मेरा स्वार्थ है, मेरी राजनीति है, जो मुझे सूट करेगा मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसी का तो सपोर्ट करूंगा, कोई बाबंदी नहीं है। अभी तक गहलोत ने मुझसे समर्थन मांगा नहीं, भाजपा के कुछ लोगों ने मांगा तो कांग्रेस के बड़े लोगों ने मांग लिया, आज की तारीख में पलड़ा बराबर है, 5-7 दिन में फैसला करूंगा। और कोई यह समझता है कि मैं कुछ असर नहीं करता तो बधाई हो, अगर मैं शून्य हूं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप 98 के 98 हो, वो 97 के 97 है। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक वोट भी इधर उधर करा नहीं सकता, समझा नहीं सकता, कन्विंस नहीं कर सकता, तर्क से नहीं कर सकता, तो आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास नहीं आऊंगा कि आप मुझे मत तो दो, मेरी औकात होगी, मेरी हैसियत होगी तो मैं आपको रियलाइज करा दूंगा कि आपने भूल की जो मुझसे संपर्क नहीं किया। आज की तारीख में दोनों दलों के रास्ते मेरे लिए खुले हुए हैं, दोनों के नेता खुले हुए हैं, अभी मेरा फैसला नहीं है। चंद्रा जी का आखिरी सवाल, सचिन पायलट की चुप्पी का क्या कारण हो सकता है? अभी तक वो कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, कोई मीडिया के सामने नहीं आए। एक बात बताऊं, अशोक जी को साबित करना पड़ता है कि मेरे पास 100 आदमी है, वो करता ही नहीं, 97 फिक्स है, क्यों बकवास करेगा? उसके तो फिक्स है 97। अभी बीच में बल आज सुबह बद्री जाकर का फोन आया कि 4 आदमी हमारे संपर्क में, झूठ बोलते हैं, अशोक गहलोत को गुमराह करते हैं। उसके पहले आया था सुरजेवाला का, वो सुरजेवाला बोला कि 3 आदमी 48 घंटे में आ जाए, कहाँ है, क्यों झूठ बोलते हो? सीधा बोलो हमारे पास इतने आदमी है, हम संतुष्ट हैं। सचिन को बड़ा नहीं है अपना आदमी 97 से ऊपर तो क्यों आएगा, क्यों बोलेगा? उसके 97 में एक आदमी हिला नहीं, उसके 97 अंगद के पांव हैं और इनके 102 हैं, मानता हूं मैं 102 होंगे, 101 होंगे, मगर अंगद के पांव नहीं है वो। उनको अंगद का पांव बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत जी को कसरत करनी पड़ती है, इसलिए बोलना पड़ता है। अशोक गहलोत जी ने 2 बातें सचिन के बारे में बोली, मैं अशोक का वैसे भी अशोक जी के पिताजी के साथ राजनीति किया हुआ हूँ, बाबू लक्ष्मण सिंह जी हम एक गुट के थे, बरकतुल्ला साहब की टीम में थे 1956 से 60 तक। उनको सचिन के बारे में जो वो बोले नकारा है, और क्या बोले थे, नकारा है, काम चोर है, और भी कुछ बोले थे ना, ऐसा बोले थे, वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो सही मान लेता हूं
तो भी कांग्रेस का हाईकमान मूर्खाधिराज है जो ऐसे नकारा आदमी को इतने पदों पर बिठाया। अगर अशोक जी जो कहते हैं निकम्मा और नकारा है तो इसे ऐसे आदमी को कांग्रेस हाईकमान ने जगह क्यों दी? वाज राहुल गांधी फूल, वाज सोनिया गांधी रॉन्ग, क्यों दिया उसको मुख्यमंत्री का पद? इसलिए अशोक गहलोत जी जैसे आदमी के मुंह से जब ये सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आज उन्होंने और कह दिया कि बीजेपी के मुंह पर खून लगा है, ये कोई सेंटेंस? और बीजेपी वाले तो बीजेपी में तो लूज टॉकर्स की गिनती है, उनकी मैं बात का बुरे ही नहीं मानता तो बोलते रहते हैं, पर अशोक जैसे आदमी को दोनों बातें गलत बोली तो अब आपको इसकी तारीफ कर तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन कोई आदमी कहेगा अशोक को बेईमान को चोर को मैं नहीं कहूंगा। ही इज कंपेरेटिवली फार ऑनेस्ट मैन, डिसेंट मैन एंड नैतिक रूप से करेक्टर वाला आदमी, इसलिए मैं इसकी ये बुराई नहीं करता। सपोर्ट तो मैं मेरे कारण से करता हूँ, कोई आदमी की मेरिट पर सपोर्ट नहीं करता हूँ और मैं करूँगा। और कोई आदमी घर में ये बैठा है चंद्रराज के देखना ही नहीं तो वेरी गुड, मुझे जरूरत भी नहीं है कि आप मेरी ओर देखो, क्योंकि जो मैं करूँगा वो सामने आएगा, आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, दुनिया देखेगी, राजस्थान देखेगा। आप आए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने आपको एक एक बात सच्चाई की बताई है।